बनता सूरज कहता सी है कोई मेरी नो वर्गा, बनता सूरज कहता सी है कोई मेरी नो वर्गा, निका जा दीवा बोलिया रात पई ते लिखांगे। अब मैं दावा देता हूं मैं राइट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदस्य स्टाफ चौधरी साहब को स्टेज खाली कर दे, मर्जी क्यादत को जगह दे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाई बहनों, कौम के मेमार हैं आप, और चार दिन से आप यहां पे धरना दिए हुए हैं। कौम के मेमार चार दिनों से यहां सड़कों के ऊपर मेरी बहनें मेरे भाई धरना दिए हुए हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब दस से मस नहीं हो रही। ये बेहिस हुक्मरान जिनको कोई एहसास नहीं है, ये बेहिस हुक्मरान जिनको गरीब का कोई दर्द नहीं है, ये ऐसे ही दस से मस नहीं होंगे। मैं आपकी क़यादत को ये तजवीज पेश करना चाहता हूं कि हुक्मरानों के खिलाफ एक जॉइंट एक्शन कमेटी का ऐलान किया जाना चाहिए, तमाम पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ मिलकर, तमाम पाकिस्तान की ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर, बार काउंसिल्स के साथ मिलकर, तुलबा के साथ मिलकर, मजदूरों के साथ मिलकर, हम और मैं बतौर वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आप तमाम के साथ इस तावन के लिए हाजिर हूं। मेरे से रबते हैं, मेरे पाकिस्तान की यूनियन से रबते हैं, मेरे यूनियन फेडरेशन से रबते हैं, मेरे तुलबा से रबते हैं, मेरे वकीलों से रबते हैं। आप एक कोई जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए, मीटिंग करें, हम फर्दन फर्दन मैं आपके साथ जाऊंगा, तमाम के पास जाते हैं। ये हुक्मरान ऐसे हमारे मुतालबात मानने वाले नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान मकबूल है। ये दो पाकिस्तान है, एक 99% पाकिस्तान जो इस वक्त लाहौर की सड़कों पर है, वो पाकिस्तान जो सातजा का पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जो मजदूरों का पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जो मेहनत कशों का पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जो तुलबा का पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जो ट्रेड यूनियंस का पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ वो 1% करप्ट सियासी हुक्मरानों का पाकिस्तान है जो बदलावा दुमदाग है पाकिस्तान के ऊपर, उनका पाकिस्तान है जो हमारे हकूक को छीन रखा है, जो हमारे हकूक को दबा रखा है। ये ऐसे हमारे हकूक नहीं देंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी ऐलान करे, हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये मुतालबात सिर्फ आपके मुतालबात नहीं है, इस तहरीक में तुलबा को शामिल होना होगा, इस तहरीक में वकीलों को शामिल होना होगा, इस तहरीक में ट्रेड यूनियन को शामिल होना होगा। तमाम लोग मिलकर फिर इनको सबक सिखा सकते हैं। ये भूल गए हैं कि ऐसी ही नाइंसाफी फ्रांस में भी हुई थी, 1% ने 99% लोगों को उनके हकूक से महरूम हुआ किया था, तो फिर इंकलाब फ्रांस हुआ। ये भूल गए हैं कि इसी तरह की नाइंसाफी रूस में भी हुई थी, और उसी तरह लोगों को तनख्वाह में इजाफा नहीं किया था, तो फिर उसके खिलाफ लोगों ने इंकलाब रूस किया था। ये बोल गए हैं कि इसी तरह की नाइंसाफी चीन के अंदर भी हुई थी, और फिर वहां पे इंकलाब चीन हुआ था। मत बोलो, तुम बोल चुके हो तो फिर हमें भी याद है तुम्हें याद कराने का। इसलिए जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर दोहराऊंगा अपनी बात को कि सब मिलकर यकजा होकर फिर इन हुक्मरानों से, इनको इक्तदार से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो।